कांग्रेस का समर्थन भी दे रहे हैं, इसके बारे में सरकार की और इनके बीच में क्या बात है, किस बात को लेके वार्ता हुई है? 10/5/16 को राज्य सरकार के संयुक्त श्रम आयुक्त, व्यापारी और मजदूरों के बीच में त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ था, जिसमें शर्त संख्या 3 ये थी कि महंगाई भत्ते की दर जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रकार हम आपके पैसे की बढ़ोतरी करेंगे, ये झगड़ा आज समाप्त हो जाएगा। परंतु हमने जब इनको ज्ञापन दिया और ये पूछा कि अब भाई हमारा 2 साल हो गया है, समझौते का समय पूरा हो गया है, तो इन्होंने कहा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इन्होंने देने से बाद में इनकार कर दिया और अखबारों में नोटिस जाया कर दिया कि हम किसी प्रकार की इनकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में इन्होंने कहा महंगाई भत्ते की दर राज्य कर्मचारियों की तरह देंगे। हमने कहा नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक मजदूर जो इंडस्ट्रियल लेबर को जो इंडेक्स के माध्यम से महंगाई मिलता है वही महंगाई स्वीकार्य है, राज्य कर्मचारी संघ कोई भी महंगाई हमें स्वीकार नहीं है। इसी मांग को लेकर ये धरना चल रहा है, अभी तक 1 सूत्री पे ही बात चल रही है, जबकि 10 सूत्री ज्ञापन हमने दिया है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आगे क्या करेंगे? आगे का आंदोलन क्रमिक अनशन के रूप में परिवर्तन होगा। आज पीएफ ऑफिस पर अभी हम प्रदर्शन करेंगे, पीएफ भी हमारा कट नहीं रहा है, उस संबंध में वहां पीएफ ऑफिस जाएंगे। कांग्रेस का कहां तक कितना समर्थन मिल रहा है? कांग्रेस ने तन मन और धन से समर्थन देने की बात कही है। अब टेंट में अभी लोकसभा आए हैं, जिलाध्यक्ष जी भी आए हैं और पूर्व प्रत्याशी हमारे गोपाल जी गहलोत वगैरह भी आए हैं और इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है। मैं इनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। नाम बताओ। गौरी शंकर व्यास, मजदूर।